आने वाले समय में मतदान के साथ साथ सावधान रहने का भी काम करेंगे। मतदान तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सावधान भी रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो लोकतंत्र बचेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान बचेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो नौकरी मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो हमारे किसानों का सम्मान होगा, किसानों को MSP मिलने का काम होगा। बहुत पुराना संबंध है, क्योंकि देश में किसानों को हक दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी से बड़ा नेता कोई नहीं रहा। अगर कोई सबसे पहले किसान और गरीब और मजदूर और गांव में रहने वालों की आवाज उठाने का काम किया, उनके हक और सम्मान के लिए संघर्ष करने का काम किया, तो वो चौधरी चरण सिंह जी। उन्हीं के रास्ते पे चलने का काम, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। चाहिए है कि भाजपा हटेगी तो देश बचेगा, और ये बात हम लोग यूं ही नहीं कह रहे हैं। हालत देखिए क्या है, क्या स्थिति है सामने। इसलिए देश बचाने के लिए भाजपा हटे तभी देश बचेगा। सर, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और चुनाव लड़ने तक के लिए पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी और भी कुछ कर सकती है, इसीलिए मैंने कहा मतदान और सावधान दोनों करना पड़ेगा। मतदान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मतदान तक हम सबको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने बूथ की भी रक्षा करनी है। तो ये जितने हमारे साथी आए हैं, हम इन साथियों को इसीलिए सावधान कर रहे हैं कि मतदान तो करेंगे लेकिन सावधान भी रहें और बूथ की रक्षा करें। अगर बूथ की रक्षा नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अकाउंट सीज हो रहे हैं वो इसलिए सीज हो रहे हैं क्योंकि चंदा चोरी में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। चंदा भी एक अच्छा शब्द है, लेकिन वो तो वसूली है, वसूली में सबसे आगे। और कमाल तो तब हुआ जब वैक्सीन का प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। इस देश की भोली वाली जनता को पता ही नहीं था कि वैक्सीन वालों से भी ये चंदा ले लेंगे, वैक्सीन वालों से भी वसूल लेंगे पैसा। इकलौते ही हैं जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। अब तो नहीं बोल रही भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन लगवाओ, इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि उन्हें पता है कि देश की जनता जान गई है कि वैक्सीन वालों से भी इन्होंने पैसा वसूल।